चैप्टर 14 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट टॉपिक था हमारा, कल हमने एक्सप्लेन किया था पार्ट वन, आज हम आपको पार्ट सेकंड के बारे में बताएंगे। व्हेन दिस इज कम टू, टॉपिक क्या है चैप्टर का हमारा, शीर्षक क्या है, व्हेन दिस इज, जब इच्छाएं कम ट्रू सत्य होती हैं, जब इच्छाएं हमारी सच्ची हो जाती हैं। पेज नंबर 92 में देखो, 92 में देखो क्या लिखा है इसमें, सुवर वेंट ऑफ टू प्रिपेयर ए बाउल, सुवर वेंट ऑफ टू प्रिपेयर ए बाउल, एक कटोरा होता है बाउल तैयार करता है, ऑफ रियली बिटर ब्रू, उसमें वास्तव में क्या होता है बिटर ब्रू, ब्रू का मतलब होता है यहाँ पर बी आर ई डब्ल्यू मेडिसिन, ब्रू का यह मतलब है दवाइयां, औषधि, उस कटोरे में दवाइयां है। सुबल वेंट ऑफ टू प्रिपेयर ए बाउल ऑफ रियली बिटर ब्रू, सुशील वॉज शॉक, सुशील को बहुत धक्का लगता है, नाउ अब ही लव लॉजेंज, वह किसको पसंद करता है, लॉजेंज होता है हमारा स्वीट सॉर्ट टॉफी, वह मिठाइयां और टॉफियों को पसंद करता है, एंड हेटेड ब्रू, और घृणा किसे करता है, उसे क्या चीज पसंद नहीं है, ब्रू मेडिसिन, उसे दवाइयां बिल्कुल पसंद नहीं है। ही जंप आउट, वह कूदता है, जंप आउट मीन्स ऊपर कूद जाता है, ऑफ द बेड एंड सेड, और कहा और कहता है, आई एम फाइन नाउ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, माई स्टमक एच हैज गॉन, अब वो क्या कहता है, मेरा पेट दर्द सही हो गया है, आई एम फाइन नाउ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब वो ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे दवाई खानी पड़ेगी जो दवाई कड़वी है, इसलिए वह कहता है कि अब मेरा पेट दर्द सही हो गया है, हैज गॉन, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो एनीवेयर, कहीं नहीं जा रहे हो, सेड द फादर फर्मली, उसके पिताजी बड़ी तेजी से चिल्लाए, उन्होंने कहा अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ड्रिंक दिस, इसको पियो, एंड लाइट डाउन, और लेट जाओ, इस औषधि को पी लो और सो जाओ या लेट जाओ। ही स्वालोड द ब्रू, ही स्वालोड का मतलब होता है निगलना, कोई चीज निगल लेते हैं हम, सीधी चीज खा जाते हैं, उसे स्वालोड कहते हैं, जैसे टैबलेट होती है हमारी, दवाइयां होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, वो हम पानी की सहायता से लील लेते हैं, निगलना या लीलना उसे हम कहते हैं स्वालोड, ही स्वालोड, वह निगल जाता है द ब्रू मेडिसिन को, निगल लेता है, एंड लेट डाउन, और लेट जाता है, एंड स्टार्टेड मरमरे, और धीमे धीमे कुछ बड़बड़ाने लगता है, मरमरे का मतलब होता बड़बड़ाना, मनी मन में कुछ कहना, उसे हम कहते हैं मरमरे। इफ यदि आई कुड बिकम एज ओल्ड, अब अपने मन में एक विचार उत्पन्न कर रहा है, एक काल्पनिक विचार उसके मन में आ रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, इफ आई कुड बिकम एज ओल्ड एज माई फादर, मैं अपने पिता की तरह बूढ़ा हो जाऊं, आई हैड बी एबल, मैं योग्य हो जाऊंगा टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू, जो भी मैं करता हूं मैं कर सकूंगा, मैं अपने पिता की तरह बूढ़ा हो जाऊं, ऐसा वो कल्पना कर रहा है, अपने मन में विचार उत्पन्न कर रहा है, आई वुडंट हैव टू लाई हियर लाइक दिस, आई वुड नॉट, मुझे पसंद नहीं होगा, हैव टू लाई लेटना, मुझे पसंद नहीं होगा हियर यहाँ पर लाइक दिस, जिस प्रकार मैं लेटा हुआ हूं, यदि मैं अपने पिता की तरह बूढ़ा हो जाऊं तो मैं लेटूंगा नहीं, मुझे पसंद नहीं होगा। एक फादर सुबल, उसके पिता सुबल वॉज सिटिंग, बैठे हुए थे आउटसाइड, बाहर की ओर, आउटसाइड बाहर की ओर बैठे हुए थे, एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, थिंकिंग, इसी क्षण वह विचार कर रहा था, इफ ओनली आई कुड बी यंग अगेन, फिर दोबारा विचार करता है, कल्पना करता है,
इफ यदि ओनली केवल आई वुड बी यंग अगेन, यदि मैं दोबारा जवान हो जाऊं, आई वुड नॉट वेस्ट ए सिंगल मोमेंट, आई वुड नॉट वेस्ट, मैं बर्बाद नहीं करूंगा, मैं नष्ट नहीं करूंगा ए सिंगल मोमेंट, किसी भी क्षण को, समय को, एंड इंडीड, और वास्तव में स्टडी हार्ड, और वास्तव में अध्ययन कैसा होगा, बहुत ही कठिन होगा। एज दे वर थिंकिंग, जैसे ही वह विचार कर रहा था, जैसे ही इन बातों को सोच रहा था, इमेजिनेशन काल्पनिक बातें थी, कल्पना कर रहा था, द गॉडेस हु ग्रांट विशेष, एक देवी आई, गॉडेस का मतलब देवी, हु ग्रांट विशेष, उसकी इच्छाएं पूरी करती है, उसकी इच्छाएं पूरी करती है, पास्ट बाई सी हर्ड देम, जब वह उसकी बातों को सुनती है, एंड डिसाइडेड, और वह निश्चय कर लेती है टू मेक देयर विशेष कम ट्रू, कि उसकी इच्छाओं को मैं पूरा कर दूंगी, क्योंकि चैप्टर का टॉपिक ही इसी चैप्टर से लिया गया है, व्हेन विशेस कम ट्रू, जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जब इच्छाएं मेरी सही हो जाती हैं, उस इसी चैप्टर से लिया गया है टॉपिक, यहाँ पर सुटेबल है, बहुत ही उचित हो रहा है। आगे देखो, सी डिड एज, उसने ऐसा ही किया, दे सेड सो, बोथ द फादर एंड द सन वर डिलाइटेड, दोनों ही पिता और बेटे बहुत ही प्रसन्न होंगे, डिलाइटेड का मतलब है हैप्पी, प्रसन्न होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, सुबल फाउंड हिम, सुबल ने प्राप्त किया क्वाइट स्मॉल, अपने आप को छोटा, उसकी इच्छा पूरी हो गई, सुबल फाउंड हिम क्वाइट स्मॉल, सुबल ने प्रातः काल अपने आप को छोटा पाया, फिर मस्टाश, मस्टाश का मतलब होता है मूछे, मस्टाश, मस्टाश में मूछे, अब मूछे होती कहाँ है, हेयर डेट ग्रोज, मस्टाश का मतलब है हेयर, हेयर मीन्स बाल, डेट ग्रोज जो उगते हैं ऑन ए मैन्स टॉप, मनुष्य के ऊपरी भाग पे, लिप बिटवीन द माउथ, ऑन और माउथ, मुंह के बीच में ये हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या होता है, मस्टाश, मूछ उगाती है। आगे क्या हुआ, एंड बियर्ड और दाढ़ी, हेड वैनिश, और दाढ़ी क्या होती है, वैनिश डिसअपीयर, दाढ़ी गायब हो जाती है। हिज क्लॉथ हैड बिकम लूज, उसके कपड़े कैसे हो गए, बिकम लूज, ढीले ढाले हो जाते हैं, लाइक ए लॉन्ग गाउन, जैसे कि लंबी सी गाउन हो जाती है, ढीले ढाले कपड़े उसके हो जाते हैं, क्योंकि वह छोटा हो गया है। हिज शर्ट स्लीव्स, उसकी शर्ट की स्लीव्स होती हैं, हैड बिकम लॉन्गर, जो स्लीव्स होती हैं उसकी बाजू लंबी हो जाती हैं, एंड धोती स्वेट द फ्लोर, धोती होती है वो स्वेट करती है फ्लोर को, मतलब होती है जब वो चलता है तो नीचे पहुंचती है। सुशील हु वुड वेक अप, सुशील हु वुड वेक अप, जो जागेगा अर्ली मॉर्निंग, एंड रोम, रोम का मतलब होता है टू वॉक और ट्रेवल विद नो पर्टिकुलर प्लान और एम, रोम का मतलब होता है बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना, कोई उद्देश्य नहीं होता है कि मुझे यहां से वहां तक जाना है, उसे हम कहते हैं रोम, रोम मीन्स टू वॉक और ट्रेवल विद नो पर्टिकुलर प्लान और एम, ना कोई उद्देश्य होता है, ना कोई योजना होती है इधर से उधर जाने की, उसे हम कहते हैं रोम। अबाउट द हाउस, घर के बारे में, कुड नॉट इवन ओपन हिज आइज, व्हेन ही गॉट अप, जब वह जागता है, एंड saw him, और अपने आप को देखता है इन द मिरर, जब वह जाग जाता है अपने आप को शीशे में देखता है, तब क्या होता है, ही गॉट ओवर एक्साइटेड, वह बहुत ही उत्तेजित हो जाता है, ओवर एक्साइटेड मीन्स बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, ही हैड बिकम बिग, वह बहुत बड़ा हो गया है, हिज क्लॉथ बिकम टाइट, उसके कपड़े टाइट हो गए हैं,
एंड ही हैड बिकम बाल्ड हेडेड, और कैसा हो गया है? बाल्ड का मतलब होता है हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन योर हेड, हैविंग लिटिल, बाल्ड का मतलब वैसे गंजा होता है जिसके हेयर लेस, सिर पर बाल नहीं होती है, उसे बाल्ड कहते हैं, गंजा, हेयरलेस, हेयरलेस का मतलब बाल रहित, मतलब जिसके सिर पर बाल नहीं है। तो यहाँ पर बाल्ड का मतलब है हैविंग लिटिल और नो हेयर, चाहे हल्के हल्के बाल हो या बिल्कुल बाल नहीं हो, उसे हम बाल्ड कहते हैं। अब बिकम बाल्ड हेडेड, उसके एक सिर पर एक भी बाल नहीं है, इसका मतलब वह गंजा हो चुका है, हेयरलेस, उसके बाल जा चुके हैं। इस प्रकार हमारा पार्ट सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया।